वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। टाइम खराब किए बिना सीधा अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सुना होगा आपने, एक बखूबी खूबसूरत सा आईपीओ आ रहा है, मामा अर्थ का आईपीओ। तो भैया ऐसी बात है, बहुत सारे लोगों के ना सवाल थे कि उसमें करना क्या है। जवाब देने का हमारा मन था नहीं, क्योंकि हमें किसी के बारे में ज़्यादा बातें करने का कोई शौक़ नहीं है, पर ये बात थोड़ी गंभीर थी तो हमने कहा आपसे शेयर कर ली जाए। कई लोग जानना चाह रहे हैं क्या करें ना करें। भाई देखो, आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर लेना, अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनसे भी कंसल्ट कर लेना। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहोगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम वीडियो में शेयर कर देते हैं। भाई साहब ऐसी बात है कि मन करे तो देख लेना जो ठीक करे, बाकी भाई क्रीमें दिखा दिखा के चूना मत लगवा लेना, बस इतनी बात का ध्यान रख लेना। तो बातें मैं ऐसी करूँगा कि समझदार को इशारा काफ़ी हो, समझ लेना। भाई ये वो मैडम है मामा अर्थ वाली जो शार्क टैंक में आके बताया करती थी कि आपकी तो इतनी ज़्यादा आप हाई वैल्यूएशन पे पैसा मांग रहे हो, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, और खुद अपने आईपीओ में हजारों गुना वैल्यूएशन के ऊपर आज पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं। सोचना चाहिए एक बारी की कर क्या रहे हो। खुद इनके प्रमोटर, इन मैडम के जो पति देव जी हैं, वो बेच रहे हैं 100 करोड़ रुपए के शेयर, मैडम खुद 3 करोड़ के शेयर बेच रही है। तो भाई प्रमोटर जब खुद ही माल बेचने के ऊपर आ रहे हैं, वो भी इतनी हाई वैल्यूएशन पे, तो समझ जाना चाहिए कि चोली के पीछे क्या है, समझ रहे हो ना, तो ये समझ लो। और भाई इससे भी बड़ी चीज, भाई इस साल लॉस के अंदर रही हुई है कंपनी, प्रॉफिट से लॉस में आई हुई है, कंपटीशन इनका इतना ज़बरदस्त बनता जा रहा है। तो भाई कहीं ये ना हो कि आँखों के नीचे क्रीम लगाने के चक्कर में आंखों में धूल झोंक दी जाए, तो उसका थोड़ा ख्याल रख लेना, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो भाई प्री आईपीओ जो होते हैं ना, वो इसीलिए बेहतर बोला जाता है कि भाई कम से कम अगर कोई कंपनी आईपीओ के लिए प्लान अप कर रही है और वो प्री आईपीओ फेज़ के अंदर है, तो वहाँ पर फिर भी एक फेयर नहीं तो एक अच्छी वैल्यूएशन तो मिली जाती है। लेकिन ये तो भाई बिल्कुल ही वो काम करने पर उतरा है कि कुछ कहने की हद ही नहीं है। और भाई एक बात बताओ, ऐसी कौन सी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है कि प्रमोटर अपने शेयर बेचने पर उतारू हो गया? जब ग्रोथ ही नज़र आ रही है तो फिर प्रमोटर को शेयर बेचने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने पास रखेगा। और दूसरी चीज़ भाई, प्राइस भी इतना हाई है शेयर का, तो वो तो अब समझ से ही बाहर है। बाकी भाई आपकी अपनी सोच है, जो ठीक लगे वो आप देख लेना। हमारा बताना फर्ज इसलिए था क्योंकि आपसे सच्चा प्यार किया है। तो भाई बात तो कड़वी हमारी 99% होती है, लेकिन फिर समझने वाला समझता है कि बात तो सच्ची होती है। अब सच बात तो भाई कड़वी होती है। अब भाई गला तो ठीक होता है चाय में अदरक डाल के, अब अदरक कच्चा खाओगे तो कड़वा तो लगेगा ही। भाई ये समझने वाली बात है। और भाई हमेशा से एक चीज़ ध्यान रखना, जब आईपीओ आता है ना तो एक अजीब सा ही हाइप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ में बार बार ये चीज़ें आ रही होती हैं। तो भाई उसको सुनने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद कुछ गलत डिसीजन मत ले लेना कि भाई उसके बाद निकले थे चार पैसा कमाने, जो मूल था वो भी कहीं लुटा बैठो। तो थोड़ा भाई सतर्क रहने की ज़रूरत है, और सतर्क होने की भी ज़रूरत है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। बुजुर्ग क्यों बोलते थे? वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि बेटा आजकल के ज़माने में ना ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, आज सारी चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ यार वो लोग बिल्कुल सही बात बोलते थे। इन्वेस्टमेंट करनी हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा उस जगह के ऊपर करनी चाहिए जहाँ पर आपको ये लगता हो कि कंपनी कुछ आपके लिए कर रही है। ये तो मेरे हिसाब से कंपनी खुद अपने लिए ही सारी प्लानिंग करके बैठी हुई है, खुद ही इन्होंने शेयर अपने बेच मारने हैं, तो फिर तुम्हारे को ग्रोथ ही क्या दिख रही है। आप खुद सोच के देखो, आप अगर एक कंपनी के प्रमोटर हो, आपकी खुद की कंपनी है, आप अपना आईपीओ लेकर आ रहे हो, आपको पता है आईपीओ में आप लोगों को कह रहे हो कि भाई हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, और उसके बाद खुद ही आप अपने शेयर बेचने बैठे हो, तो भाई आज के ज़माने में मेरे हिसाब से इतनी अंधागर्दी तो है नहीं कि भाई कोई कुछ भी फिर करता फिरे। तो सोच लेना आप लोगों ने करना क्या है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे तो हमें लगा कि ज़रूर भाई हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अगर किसी का चार पैसा बच सके लूटने से तो उसको बता देना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है भाई, जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। खुद तो आके बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटते थे कि भाई आपकी वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा हाई है, सारी चीज़ें लोगों को ज्ञान बांटा करते थे कि इस वैल्यूएशन पे पैसा नहीं मिलता, आप बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, और अपनी बारी के अंदर तो वैल्यूएशन की सारी इन्होंने हदें ही पार कर दी हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ कि भाई ये तो वो बात होगी कि पतंग उड़ाने चले थे, इन्होंने तो नीचे से गाड़ियाँ ही उठा के हवा में उछाल दी हैं। जैसे रोहित शेट्टी अपनी पिक्चरों में गाड़ियाँ उछलवा देते हैं ना, वैसे भाई इन्होंने तो साक्षात आज शेयर बाजार के अंदर ही ऐसी हलचल खड़ी कर दी है कि लोग ही 4-5 बारी ऊपर नीचे हो चुके हैं कि ये हो क्या रहा है।
चलो भाई, बाकी भाई हम नेगेटिव किसी के नहीं है, ये खाली हमारा पर्सनल व्यू था। तो भाई हम अपना पर्सनल व्यू तो देखो, अपना शेयर करना सबका एक अधिकार होता है, तो हमने सिर्फ अपना व्यू शेयर किया है। आपने अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो भाई अपनी खुद की रिसर्च और अपने एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सबसे कंसल्ट करके करना, ताकि भाई पैसा आपका सही जगह के ऊपर लगा हो। और भाई एक और अहम जानकारी आपको दे देता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं ना कि IPO 90% फ़ायदा दे के ही जाते हैं या 50% IPO फ़ायदा देकर जाते हैं, IPO फ़ायदा देने वाले होते हैं कहीं, लेकिन उनके पीछे उनकी एक ग्रोथ स्टोरी भी होती है। ग्रोथ स्टोरी ना खाली पेपरों पर नहीं होती है, वो सामने हर किसी को नज़र आती है। अगर आप अपने हाइप वाली चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे और कंपनी के फाइनेंशियल पर, कंपनी के फंडामेंटल पर, ग्रोथ के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, तो आप खुद से भी डिसीजन निकाल सकते हो कि आपको कोई भी IPO के लिए पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। और ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी भी कंपनी की बात कर लो, ट्रांसपेरेंसी सारी कंपनी रखती है। आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, आप खाली जवाब ढूंढ रहे होते हो कि लगाने या नहीं लगाने हैं। एक बार अगर आप ढंग से यही चीज़ पढ़ लोगे कि कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में क्या किया है, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, प्रमोटर का ट्रस्ट फैक्टर क्या है, ये जब सारी चीज़ें पहचान लोगे तो जवाब आपको वैसे किसी भी IPO का मिल जाएगा। तो हर IPO ख़राब नहीं होता, हर IPO अच्छा नहीं होता है। हमेशा कंपनी के बारे में पहले पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई पैसा लगता है कि भाई हर जगह के ऊपर बन जाता है, पैसा बनने के लिए सामने जिस जगह पर आप पैसा लगा रहे हो वो वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए है। लोग कहते हैं ना कि भाई सोना पहले बचपन में, बचपन क्या, वो पुरानी बात है, लोग सारे बुजुर्ग बोलते थे कि सोना घर में जरूर इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि कभी ना कभी काम आ जाता और उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो घर में कोई बुजुर्ग हो तो भाई हमेशा उनसे आशीर्वाद भी लो और उनकी बातों पर गौर भी फरमाओ, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं शेयर बाजार में लगाने का मौका मिल ही जाता है। तो भाई आज का यही मेन चीज़ थी कि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देना, थोड़ा गाइड कर देना। एक बारी ना आपको एक किस्सा समझाता हूँ, शायद उससे आप अपना डिसीजन बना पाओ। एक बारी ना एक बंदा था जिसने ना चिड़ियाघर खोल लिया। अब वो उसने चिड़ियाघर की टिकट रख ली 500 रुपये की। लोगों ने कहा टिकट महंगी, हम तो नहीं आएंगे। उसने टिकट कर दी 300 रुपये की, लोग फिर भी नहीं आए। उसने टिकट रख दी 100 रुपये की, लोगों ने कहा नहीं यार इसमें तो 100 रुपये वाले भी मज़े नहीं है। उसने टिकट रख दी फ्री की और बाहर लगी भीड़, उसने सबको चिड़ियाघर में फ्री में एंट्री दे दी। फ्री में एंट्री देने के बाद ना उसने क्या किया, पिंजरे से ना शेर को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और दरवाजे पे लगा दी कुंडी। कहता एंट्री तो फ्री थी, अब एग्जिट के 500 रुपये लगेंगे। तो भाई अब आप समझ लेना कि फ्री में या लुभावनी चीज़ों की तरफ जाकर अगर आपको लगता है कि फ़ायदा कमा सकते हो तो भाई देख लेना ट्राई करके। और इस बात से ही अगर समझ आ गई हो तो लुभावनी बातों की तरफ कम जाना, क्योंकि जो जहाँ पर फ्री में एंट्री दे देते हैं ना, फिर वो एग्जिट के टाइम के ऊपर बखूबी पैसा वसूलते हैं। इसलिए पैसा किसी भी जगह पर लगाने से पहले अपनी रिसर्च करना, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने अपनी तरफ से भाई अपनी कोशिश करी कि आपको अपना बेस्ट बता पाएं कि हमारा नज़रिया क्या है। अब आपके छोटे भाई हैं, चाहे हम बड़े भाई हैं, चाहे हम आपके दोस्त हैं, तो भाई हमारा इतना तो फ़र्ज बनता है ना आपके साथ बात करने का। तो बस ये वही बात थी, बाकी आप समझ जाना कि आपकी अपनी विश है, जो भी आप डिसीजन लेना चाहो, आपको लेना या नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रख लेना कि कुछ चोली के पीछे, कहीं वो पूछते हैं ना चोली के पीछे क्या है, तो चोली के पीछे कोई गेम ना चल रही हो, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान।